इनके साथियों, तेलंगाना के खिलाफ कुछ झूठे बातें कह रहे थे। हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, मगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए। तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को, जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है, वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद तेलंगाना था, तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू करके मोदी जी ने किसानों को अमेजन, अदानी, अंबानी को हवाला करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो हम लोग ये सोचे, ये गारंटी दिए, तेलंगाना जितने भी किसान लोग हैं 2 लाख कर्जा माफी करने वादा किया, 25 दिन में 22,22,067 किसानों को 17,869 करोड़, मतलब अराउंड 18,000 करोड़, 22.5 लाख किसानों को हम कर्जा माफी किए। किसी को डेटा अगर चाहे तो हर किसान का डेटा मैं दे सकता हूं। पिछले जब नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण पे तेलंगाना किसानों के बारे में बात निकाले तो मैं पूरा उनको डिटेल जवाब लिखा था। उसके बाद मोदी जी ने उनके ट्विटर पे जो लगाया था वो ट्विटर, उनका जो ट्वीट था वो डिलीट करवा दिया। हमारा गारंटी सोनिया जी या गांधी परिवार ने कुछ गारंटी दिए तो कम वाट में पॉलिटिकल रिप्रकेशंस कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने परवाह नहीं करते हुए हम लोग ये लागू किए। और दूसरी बात रहा तेलंगाना प्रदेश, सोनिया जी ने गारंटी दिया हुआ है तेलंगाना प्रदेश देने के लिए। 70 साल हमारा जो लड़ाई थे तेलंगाना प्रदेश के लिए, सोनिया जी गारंटी के वजह से तेलंगाना राज्य ने बनाया। और आगे बेरोजगारी, पिछले 10 साल बीआरएस सरकार ने जो बीजेपी के दोस्त थे उन लोग जो वादा किए, नौजवानों को धोखा दिया हुआ है। इसीलिए हम सरकार बनते 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है, गिने तो 1 घंटा को 8 नौकरी तेलंगाना सरकार ने बेरोजगार युवकों को सरकार नौकरी दिया हुआ है। कोई भी यहाँ पर पत्रकार या भारतीय जनता पार्टी या नहीं तो एकनाथ शिंदे जी के परिवार या नहीं तो अजीत पवार के परिवार कोई भी तेलंगाना आए तो हम पूरा डिटेल्स उनको देंगे। 10 महीने में हम लोग 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है तेलंगाना में। और इसके अलावा महालक्ष्मी 500 रुपीज सिलेंडर, आज
₹500 सिलेंडर ऑलमोस्ट 49 लाख फैमिलीज आर यूटिलाइजिंग ₹500 सिलेंडर एंड 200 यूनिट्स अप टू 200 यूनिट्स फ्री पावर. ऑलमोस्ट 50 लाख परिवार ने फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है तेलंगाना में. एंड पैडी प्रोक्यूरमेंट तेलंगाना सरकार ने दे रहा है ₹500 बोनस MSP प्लस ₹500. ये सब सारे तेलंगाना सरकार तेलंगाना राज्य में जो किसानों को युवकों को महिलाओं को और RTC बस महालक्ष्मी फ्री राइड इन RTC बसेस 1 crore 4 lakh वुमेन हैव यूटिलाइज लास्ट 10 months दिस फैसिलिटी. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज पेड 3,541 crores टू तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. मतलब सैचुरेशन फ्री पावर इज सैचुरेशन. ₹500 सिलेंडर इज सैचुरेशन एंड बस राइड इज सैचुरेशन. किसान कर्जा माफी सैचुरेशन. सरकार ने जितने भी नोटिफिकेशन दिए हर नोटिफिकेशन का हम नौकरी दिया हुआ है. तो ये सब सारे हम लोग वादा किए वादा निभाए. अदर देन दिस कास्ट सेंसस जो राहुल जी बार बार कह रहे थे दिस इज एक्सरे. आई वॉन्टेड टू एक्सटेंड दैट एक्सरे मेगा फैमिली हेल्थ चेकअप. इस देश में OBC दलित आदिवासी जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों का गिनती तेलंगाना सरकार ने कल से शुरू किया. 1 महीने में हम लोग पूरा तेलंगाना 4 करोड़ जनता के हिसाब किताब लेकर देश को अब सवाल करेंगे. मोदी जी को हम सवाल करेंगे. 2025 जनवरी से जो शुरुआत होने वाला है सेंसस में वो सेंसस में कुल गणना भी कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करना है. दिस इज व्हाट अवर डिमांड. वी हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन इन अवर कैबिनेट सेइंग दैट वी आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इंप्लीमेंट कास्ट सेंसस. दिस इज व्हाट अवर चैलेंज टू नरेंद्र मोदी. जो राहुल जी ने बात दिया हुआ है देश को जनता को 140 करोड़ लोगों को 140,000 करोड़ लोगों को जो बात दिया हुआ है बात निभाने का काम कांग्रेस पार्टी के है. इसीलिए BJP ने या मोदी जी खासकर महाराष्ट्र में बोलने के लिए उनका कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है. इसीलिए उनका जब सक्सेस स्टोरी नहीं है तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का आदत है. वो ऐसा कोशिश करने का उनका आदत है. हम बचपन में पढ़ते थे किताबों में महाराष्ट्र बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज फूले जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाला साहेब ठाकरे जी शरद पवार जी. अभी इतना तकलीफ हो गए. हम कुछ पढ़े थे कुछ सुने थे मगर आज कुछ देख रहा है. एकनाथ शिंदे जी अजित पवार जी ये वीरों का धरती है. ऐसे धरती में जो गुजरात के गुलाम बनकर एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी ने सरकार चलाने के लिए इस चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहा है झूठों पे झूठ झूठों पे झूठ बोलकर. इसीलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी को वो नाम से बुलाया तो ठीक नहीं है. भारतीय झूठा पार्टी ये भारतीय झूठा पार्टी को महाराष्ट्र के जनता इस चुनाव में हराना है. इस चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत या नहीं शरद पवार उद्धव ठाकरे की जीत नहीं है. ये सच्चा की जीत है. इस जीत में पत्रकार लोग आप भी हमारे साथ में रहना है क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र के आइडेंटिटी इट्स अ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र. दो स्वाभिमान जो दो गुजरात के नेता लोग आपके ऊपर दबावट रख के आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं महाराष्ट्र को 17 बिग इन्वेस्टमेंट्स दे हैव ट्रांसफर टू महाराष्ट्र टू गुजरात. ये नुकसान आपका हो जा रहा है. इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. पॉलिटिकली नंबर 1 इज उत्तर प्रदेश नंबर 2 इज महाराष्ट्र. 48 पार्लियामेंट सीट्स है. राजनीति में महाराष्ट्र का एक स्पेशल आइडेंटिटी था.
मगर आज के तारीख में कोवर्क नेता लोगों के नाम सुने आ रहे इस देश में। फाइनेंशियली नंबर वन, पॉपुलेशन नंबर टू, पॉलिटिकली नंबर टू। इतना पावरफुल मुंबई, इतना पावरफुल महाराष्ट्र, किसी के हाथ में धोखा खाकर इस चुनाव में हार गए तो महाराष्ट्र जनता बहुत कुछ खोना पड़ता। इसीलिए मैं आपके बगल में रहता हूँ, हैदराबाद महाराष्ट्र के साथ साथ में हैदराबाद तेलंगाना है, हैदराबाद कर्नाटका, तो मैं आपके बगल में आपके भाई हूँ, बगल से आया हूँ। आपके लिए हमारा दिल का धड़कन है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, क्योंकि आपको धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी को हराकर सबक सिखाने का वक्त आया। धन्यवाद मित्रों।